morning and Hind class 11th how are you all i hope you all are doing fine continuing with the chapter number 2nd that is forms of business organization we are going to start up with the merits of partnership see we are done with the partnership the features of partnership right today we are going to start the merits of partnership so the very first point is easy of formation and closure. this is the advantage of partnership. there are no legal formalities involved in its formation as in case of company. see अगर कोई अपना फर्म बनाना चाहता है तो उसमें अपनी फर्म मेंटेन करना चाहता है along with the partners. तो उसके लिए there is no there are no legal formalities, right? लाइक आप कोई कंपनी खोलने जा रहे हो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने जा रहे हो उसके केस में होता है ओके एन एग्रीमेंट विच मे बी मे बी ओरल रिटर्न इज सफिशियंट टू एंटर इन टू पार्टनरशिप इफ यू वांट टू एंटर इनटू द फर्म इफ़ यू वांट टू बिकम द पार्टनर एज वेल एज यू वांट टू स्टार्टअप बिजनेस सो एन एग्रीमेंट विच मे बी ओरल और रिटर्न अकॉर्डिंग टू दार्टनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट कंपल्सरी फर्म का रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं है बट इफ अ फर्म टू गो इट्स सेल्फ रजिस्टर अगर फर्म खुद को रजिस्टर कराना चाहती है लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहती है देन द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल इसी तरह अगर वो क्लोजर करना चाहते हैं इट इज़ वेरी इजी एग्रीमेंट पार्टनर्स में हो जाए आपस में और वो अपनी सहमति से क्लोज कर सकते हैं बिजनेस को फर्म को जो फर्म पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं लाइक आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ राज इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है जो पार्टनर्स मिलकर जिस फर्म को चला रहे हैं वो उसको अपनी मर्जी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बंद कर सकते हैं सेकेंड इज़ ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग टू हेड आर ऑलवेज बेटर देन वन टू हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन वन कहते हैं ना दो नज़र अच्छी होती हैं मतलब अगर एक एक खामियां नहीं निकाल पाया तो दूसरा अगर उसे क्रॉस चेक करे तो शायद गलती मिल जाए सो दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू पार्टनरशिप फर्म्स आल्सो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं पार्टनर्स मिलकर लेते हैं कलेक्टिवली जिसका रिजल्ट ये होता है डिसीजनस आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस्ड सी आप चार लोगों चार अगर आपसे ओपिनियन लिया जाए किसी चीज़ के लिए तो चारों के ओपिनियन में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा आई ऑप्ट द वन विच इज़ द मोस्ट सुटेबल ठीक है जैसे हमने सोल ट्रेडर में लिया वो जो डिसीजन ले लेता है चाहे वो गलत है चाहे वो सही है हो सकता है वो सही हो तो वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएगा हो सकता है वो गलत है तो शायद वो रूंड हो जाए बिल्कुल उसका बिजनेस देन कम्स थर्ड पॉइंट लार्ज फंड्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अ पार्टनरशिप फर्म कैन रेज लार्जर कैपिटल एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर हमने पहले भी पढ़ा है सोल ट्रेडर बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं इकट्ठा कर पाता है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैन रेज लार्जर कैपिटल बिकॉज ऑल द पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल ऑफ द फर्म सभी पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मोर ओवर द कैपेसिटी ऑफ अ फर्म टू बोरो फ्रॉम द फिनशियल इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो हायर बिकॉज नंबर ऑफ पार्टनर्स आर मोर ऑल हैव एन कैपेसिटी टू बोरो द फिनशियल इंस्टीट्यूशन बोरो फ्रॉम द फिनेशियल इंस्टीट्यूशन अपने अपने हिसाब से अपने अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग सब लोग बोरो करते हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस right next is sharing of risk risk kaun share karega? it is shared by number of partners by all of them the burden of risk on each partner is much less as compared to a sole proprietor see sole proprietor is the alone uh, is the only person who bear all the risk who, sh who bear all the risk but here they share the risk uh, agar koi risk hota hai business mein, they share the risk all the partners equally share the risk बट द सोल ट्रेडर बियर द रिस्कटेनेंस ऑफ सीक्रेट इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंटेन एज इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर इट टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड एंड पब्लिश सी सारे सीक्रेट जो होते हैं वो मेंटेन रहते हैं फर्म के क्योंकि कंपल्सरी नहीं है कंपल्सरी रजिस्टर्ड कराना भी नहीं है कोई लीगल फॉर्मेलिटीज से गो थ्रू करना भी नहीं है बट एज इट इज नॉट कम्पल्सरी फॉर इट टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड एंड पब्लिश्ड अपने अकाउंट ऑडिट कराने की भी उन्हें जरूरत नहीं होती है ठीक है फ्लैक्सिबिलिटी द फर्म कैन अंडरटेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर सारे पार्टनर्स की सहमति से कोई काम करते हैं मोर ओवर देर आर नॉट मैनी रेस्ट्रिक्शंस अंडर द पार्टनरशिप एक्ट ऑन द मैनर एंड मोड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स ऑपरेशन इफ दे वॉन्ट टू स्विच टू समर बिजनेस ऑल इक्वल अब सब लोग अगर एग्री करेंगे दे कैन स्विच टू अन अदर बिजनेस ऑल्सो कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्राइस पॉलिसी अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी चेंजड वेरी ईजीली सी कैपिटल जिसने जितना लगाया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्राइस पॉलिसी या और जितनी टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो सब इजीली चेंज की जा सकती हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ओके okay. अब दीज वर द दी मैरिट्स नाउ कम्स द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल हम पहले भी पढ़ चुके हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ज्वाइंटली और सेवरली डिस्करेज द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप वाई बिकॉज क्रेडिटर्स कैन मेक एनी और ऑल द पार्टनर्स लाइबल एंड रिकवर देयर ड्यूज़ इवन फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स सी अगर किसी लॉस होगा तो सबको होगा सपोज आप ये मान के चलो देर आर फोर पार्टनर्स और उनमें से एक पार्टनर ने मार्केट से ज़्यादा पैसा बोरो किया है ठीक है उसको फर्म के नाम पर पैसा मिल गया है कि भाई ये आशीष इलेक्ट्रिकल्स राज इलेक्ट्रिकल्स के फर्म के ओनर हैं उसके हिसाब से उसको पैसा मिल गया है उसने बोरो कर लिया है जबकि उसमें उन चारों की रेपुटेशन है ठीक है वो चारों उसमें जुड़े हुए हैं वॉट हैज़ हैपन्ड अगर वो पर्टिकुलर पार्टनर इज़ नॉट एबल टू रिटर्न द मनी तो वो चारों के चारों बाकी के रेस्ट ऑफ द थ्री विल बी रिस्पॉन्सिबल उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी uh, जो क्रेडिटर्स हैं वो अपना ड्यूज कवर रिकवर कर सकते हैं एक ये इसकी लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज पार्टनरशिप फर्म हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर बिकॉज ऑफ विच इट मे नॉट बी एबल टू रेज एज मच एज कैपिटल एज कंपनी कैन बेटा पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड होती है नंबर कंपनी में इट गोज टू ट्वेंटी ठीक है सो इट मे नॉट बी एबल टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन बियॉर्ड अ सर्टेन लिमिट ये लोग भी एक सर्टेन लिमिट के बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं But if in case but if in case, agar wo chahe, let's suppose there are four partners, but agar koi company my partners hai, let's suppose 10, 15 or 20, they can easily borrow they can easily raise uh, capital. right. Next is possibility of conflict. All the partners can participate in the management of the business. चारों पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में जो क्या चल रहा है बिजनेस में बट उन सब की स्किल्स डिफरेंट होंगी कैपेसिटी फोर साइटेड नेट दूरदर्शी मे मेक अ मेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म सो कोई कोई पार्टनर दूरदर्शी होता है मतलब देख uh, uh, उन्हें सेंस हो जाता है कि आगे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है राइट सो दे हैव डिफर दे दे हैव डिफरेंट स्किल्स कैपेसिटी एंड फोर साइटेडनेस एंड विच कैन मेक अ मेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म ठीक है दिस माइट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर्स कोई चाहेगा कि हम ऐसे काम करें कोई चाहेगा ऐसे काम करें कोई किस नजरिए से किसका किसी का पर्सपेक्टिव कुछ है किसी का पर्सपेक्टिव कुछ है राइट सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पार्टनर्स थ्रू दिस ऑल राइट नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेन इन कॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्म अनसर्टेन कैसे द कॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्म इज़ अनसर्टेन चलेगी या नहीं चलेगी बिकॉज अ बिजनेस मे कम टू एन एंड ऑन द डेथ बैंक क्रप्टसी और ल्यूनेसी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स अगर कोई भी एक पार्टनर की डेथ हो गई या बैंक क्रप्ट हो गया उसके सारे एसेट्स खत्म हो गए तो उस केस में फर्म की कॉन्टीन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है सी वो पार्टनर इसलिए बने क्योंकि वो तीन लोग सपोज़ हम चार लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि वो तीन लोग नहीं बिजनेस फॉर्म को चला सकते हैं अगर फोर्थ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फर्स्ट पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी भी एक पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो तीन वीक पड़ जाएंगे दे नीड अ स्ट्रेंथ ऑफ फोर फाइव सिक्स पार्टनर्स चाहे वो सिक्स पार्टनर्स हैं बट अगर किसी एक के साथ भी प्रॉब्लम होता है तो बिजनेस में अप एंड डाउन हो जाए हो, हो सकते हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप फॉर्म सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन दियर फॉर्मेशन एंड डिजोल्यूशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ नॉन पब्लिसिटी ऑफ देयर अकाउंट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी होती है क्योंकि ना तो उनकी फॉर्मेशन की कोई ट्रांसपेरेंसी होती है कि वो कैसे बना कैसे डिजोल्यूशन हुआ उसका ठीक है और uh, पार्टनरशिप फर्म सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस वाई कुछ भी चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं होती ना उनके अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं वो कभी पब्लिसिटी uh, नहीं करते हैं अपने अकाउंट्स के अपनी कंपनी के फॉर्मेशन के वो अपने हिसाब से अपने काम करते हैं स्लो डिसीजन मेकिंग बिकॉज सबका कंसेंट जरूरी होता है इसीलिए जो अगर उन्हें क्रूशियल मोवमेंट पर कोई डिसीजन लेना होगा दे कैन नॉट टेक ऑन द स्पॉट डिसीजन इट्स बिकॉज दे नीड नीड टू एंड दे हैव टू कंसल्ट विद अदर पार्टनर्स भाई आप में से तीन लोग एक साथ काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पर तो उस प्रोजेक्ट में कोई बहुत बड़ा चेंज करना है या छोटा सा भी चेंज करना है तो आप बिना दो लोगों के उन दो लोगों से कंसल्ट किए ऐसा नहीं कर सकते दिस इज द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप हियर हाउ पार्टनरशिप वेयर पार्टनरशिप फॉर्म इज सुटेबल द बिजनेस इज रन ऑन अ स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल दोनों तरफ से सुटेबल होगी स्मॉल स्केल मीडियम स्केल नॉट ऑन लार्ज स्केल नॉट फॉर अ कंपनी पर्सनल टच विद दी कस्टमर और क्लाइंट इज असेंशियल अगर आपके कस्टमर हैं अगर आपके क्लाइंट हैं ओनली देन यू कैन गो इजीली ठीक है इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द प्रोफेशनल्स टू फॉर्म पार्टनरशिप ईजी रहता है प्रोफेशनल्स के लिए पार्टनरशिप फॉर्म कर देना अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है पार्टनर्स मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं इट फैसिलिटेट्स पार्टनरशिप बिटवीन दोज हैविंग द कैपिटल जिनके पास पैसा होता है एंड दोज हैविंग द टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक तो पैसा है एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और क्या चाहिए मिलकर काम कर सकते हैं राइट सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द मैरिट्स एंड डी मैरिट्स ऑफ पार्टनरशिप ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर बैलेंसड डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी ऑफ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज शेयरिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऑफ सीक्रेसी फ्लैक्सीबिलिटी इन ऑपरेशन What are the disadvantages? Unlimited liability, limited resources, possibility of conflict between the partners, uncertain life of the firm, lack of public confidence, and delay in decision making. Right? So, here we are done with the limitations, suitability, and merits of partnership. Now we are going to start the type of partnership this is the classification on the basis of duration types of partnership based on duration and based on liability duration time duration partnership at will there are two type of based on duration one is partnership at will another one is partnership particular partnership when we are talking about based on liability Either it is general partnership or limited partnership. What is? The very first one is types of partnership. There are two types of partnership: based on duration, based on liability, classification, or based of duration. So, in this, the very first point is partnership at will. What has happened here? When a partnership is formed to carry on the business without specifying any period of time. जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए बिना पीरियड को स्पेसिफाई किए कि टाइम पीरियड क्या होगा उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल ये पार्टनरशिप कभी भी डिजॉल्व हो सकती है इफ़ एनी पार्टनर सर्व्ज अ नोटिस टू द फर्म विदड्रॉइंग और टर्मिनेटिंग हि पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है फॉर्म किया एक पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहे हैं बट इफ इन केस किसी पार्टनर ने डिज़ोल्व कर दिया है टर्मिनेट कर दिया है विदड्रॉ कर दिया है तो एक नोटिस देगा और वहाँ पर खत्म हो जाएगा दिस इज पार्टनरशिप एट विल कोई किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है पार्टिकुलर पार्टनरशिप अ पार्टनरशिप एस्टेब्लिश्ड फॉर द कम्प्लीशन ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट और वेंचर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है कोई वेंचर लिया है उसे कंप्लीट करके ही आपकी पार्टनरशिप खत्म होगी इट कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट देर इज़ अ डिफरेंस बेटा पार्टनरशिप एट विल में आप अपनी मर्जी से कभी भी टर्मिनेट हो सकते हो विदड्रॉ कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता कोई काम जो काम चल रहा है वो चल रहा है लेकिन इनकेस बीच में ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेज यू वॉन्ट टू विदड्रॉ यू वॉन्ट टू टर्मिनेट यू कैन बट इन पर्टिकुलर पार्टनरशिप द प्रोजेक्ट और वेंचर इज स्पेसिफाइड वंस द वर्क गेट डन ओनली देन यू कैन गेट आउट ऑफ द पार्टनरशिप Right? It comes to an end automatically. Now comes the classification on the basis of liability. Basis of liability. The very first one is general partnership. In a general partnership, the liability of all partners is unlimited. They can borrow the money, That means the partners are liable jointly and personally for all the debt of the firm. इसका मतलब हुआ जो पार्टनर्स हैं जनरल पार्टनरशिप में वो लाइबल होते हैं जॉइंटली भी और पर्सनली भी अगर क्रेडिटर्स अगर वो डेप्ट नहीं रिटर्न कर पाते हैं जो उन्होंने पैसा उठाया मार्केट से तो वो जॉइंटली सब मिलकर एक साथ उसे टैकल करेंगे और पर्सनल एसेट से भी टैकल करेंगे ठीक है उनके डेप्ट क्लियर करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जनरल पार्टनरशिप इज ऑप्शनल इसे इसमें रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल होता है रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो बट अगर आपने मार्केट से पैसा बोरो किया है इफ़ यू आर अनेबल टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू द क्रेडिटर्स इन दिस केस इन सच केस वट यू सपोज टू डू इज आप लाइबल होंगे जॉइंटली सभी पार्टनर्स एक साथ लाइबल होंगे और पर्सनली भी आपके पर्सनल एसेट से भी डेप्ट क्लियर किए जा सकते हैं नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप देर आर टू टाइप ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड पार्टनरशिप में दो तरह के पार्टनर्स होते हैं बेटा जनरल और लिमिटेड ओके द लाइबिलिटी ऑफ द जनरल पार्टनर इज अनलिमिटेड जनरल पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है जबकि लिमिटेड पार्टनर की लिमिटेड होती है कैपिटल कंट्रीब्यूशन में जो जनरल पार्टनर होता है वो कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करे लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर होता है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ठीक है लिमिट होती है उसकी ऑल राइट सो अनलिमिटेड पार्टनरशिप मस्ट हैव एट लीस्ट वन जनरल पार्टनर सी इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करो बेटा इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप की वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेड पार्टनरशिप देर टू काइंड ऑफ टू टाइप ऑफ पार्टनर्स इन लिमिटेड पार्टनरशिप जनरल एंड लिमिटेड जो लाइबिलिटी होती है जनरल पार्टनर की वो अनलिमिटेड होती हैं और लिमिटेड पार्टनर की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की जनरल uh, पार्टनर कितना भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है बट लिमिटेड पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है लिमिटेड पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर हुज लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड अगर आपने लिमिटेड पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हो तो आपके पास एक जनरल पार्टनर होना चाहिए जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो अगर फंड रेज करना हो तो वो मार्केट से फ़ंड रेज कर सके एक ऐसा आपके साथ पार्टनर होना चाहिए जिसे हम जनरल पार्टनर कहते हैं जिस जो मार्केट से जितना फंड चाहे वो अनलिमिटेड फंड रेज कर सके रेस्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स आर डिफरेंट एंड देव बीन कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर्स उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है वॉट इज द फीचर्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड और वो पार्टनर कौन होता है जनरल पार्टनर लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन दार्टनरशिप फर्म और वो कौन होते हैं लिमिटेड पार्टनर्स उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है दे आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स अगर जनरल पार्टनर से कहीं पर वो ज्यादा कैपिटल रेज नहीं कर पाया तो लिमिटेड पार्टनर्स उसमें कैपिटल को लगाते हैं स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म वो सिर्फ पैसा लगा सकता है मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेशन नहीं करेगा स्पेशल पार्टनर राइट स्पेशल पार्टनर कैन विदड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप वेन एवर ही डिजायर सो स्पेशल पार्टनर जनरल पार्टनर जब भी चाहे वो विद्रॉ कर सकता है डेथ इन्सॉल्वेंसी या इनकेपेसिटी ऑफ द स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बिकॉज वो किस और वो किसके थ्रू चल रही है पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड पार्टनर्स के थ्रू इफ दे केन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल देन दी जनरल पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट ऑन बिहाफ ऑफ देम तो एक जनरल पार्टनर का होना बहुत जरूरी है इनकेस ऑफ डेथ इनकेपेसिटी और इनसॉल्वेंसी उनका एग्जिस्टेंस सफर नहीं करेगा राइट right? Next topic, we'll uh, start up with the next another le lecture. Okay, by the time you just recall the partnership properly and carefully. Have a good learning. Thank you, dear students.